आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बारटेंडर का यूज़ करके PRN फाइल को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। बारटेंडर एक सॉफ्टवेयर है जो आपका प्रिंटर वेंडर जो होता है वो आपको देता है, या आपको प्रिंटर के साथ CD में मिलता है। तो जैसे ही हम उसको इंस्टॉल करेंगे, ऑन करेंगे, तो हमारे पास एक ये स्क्रीन आएगी, स्टार्ट अ न्यू बारटेंडर डॉक्यूमेंट और ओपन एग्जिस्टिंग बारटेंडर डॉक्यूमेंट। अगर आपकी PRN ऑलरेडी बनी हुई है, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू बना सकते हैं। मैंने यहाँ न्यू पे क्लिक किया। आपको ब्लैंक टेम्पलेट चाहिए, एग्जिस्टिंग बारटेंडर में जो बने हुए डॉक्यूमेंट हैं वो चाहिए। मैं ब्लैंक टेम्पलेट ले लेता हूँ। उसके बाद हमारा प्रिंटर कौन सा है, मैंने प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया। स्पेसिफाई कस्टम सेटिंग करनी है या प्री डिफाइंड स्टॉक देखना है। प्री डिफाइंड में जैसे मैंने मेरा जो स्टिकर्स हैं वो इस टाइप के हैं, मतलब एक रोल में दो हैं, उसको मैंने नेक्स्ट किया। कुछ कलर्स मुझे बैकग्राउंड फीचर में कलर चाहिए, पिक्चर चाहिए, अगर चाहिए तो ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से मेरे सामने ये स्टिकर ओपन हो गया। अब मुझे इसमें जो भी चाहिए, जैसे मुझे सबसे ऊपर टेक्स्ट चाहिए सिंगल लाइन, तो यहाँ के मैंने किया। इसमें जो भी मुझे लिखना है, जैसे कंपनी नेम, सबसे ऊपर मुझे कंपनी नेम लिखना है। उसके बाद मेरे को टेक्स्ट में ही यहाँ पर आइटम नेम, उसके बाद मुझे इसको यहाँ पे बार कोड प्रिंट करना है, इसको हम छोटा कर देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग हम जो भी हमें PRN में चाहिए, कंपनी नेम, आइटम नेम, MRP, प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कमांड्स लगा लेते हैं। उसके बाद जैसे अब हमारे एक रोल में दो स्टिकर्स हैं, तो अब हम यहाँ प्रिंट में जाएंगे। अगर मुझे पेज सेटअप करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, कुछ चेंजेस अगर करने हैं, वेट, हाइट। उसके बाद हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रिंट टू फाइल, मतलब मुझे फाइल पे प्रिंट करना है, ना कि PRN प्रिंटर पे प्रिंट करना है। और नंबर ऑफ कॉपीज, जितने मेरे एक रो में लेबल्स हैं, नंबर ऑफ कॉपीज टू, मैंने प्रिंट किया। तो ये मुझे पाथ बता देगा, मैं इसको ब्राउज करके डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। तो मेरी ये डेस्कटॉप पे एक PRN फाइल सेव हो गई है। तो इस तरीके से मेरी एक ये PRN डिज़ाइन हो गई है, जिसको अब हम मार्क के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मार्क में PRN के थ्रू बारकोड कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं सेल फॉर्मेट, यहाँ हमारा होता है बारकोड फॉर्मेट PRN। यहाँ हम फॉर्मेट का नाम दे देते हैं, नंबर अक्रॉस, जैसे कि पहले बताया था कि जो जितने भी आपके नंबर अक्रॉस हैं, आइटम सेपरेटर आपको यूज़ करना है नहीं करना, डिफॉल्ट PRN। एक्सटर्नल रन फाइल, एक्सटर्नल रन फाइल होती है अगर हम TVS का प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं या कोई प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल हमें एक फाइल रन करनी है वो हमारी कहाँ पड़ी है। जैसे मेरी जो फाइल है वो पड़ी है D के अंदर, SP TVS.exe। इस फोल्डर को आप हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट से या अपने एरिया मैनेजर से ले सकते हैं। SP के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर जो TVS.exe होती है इसका हमें यहाँ पाथ देना होता है। उसके बाद हमारा होता है यहाँ पर प्रिंटर ऑन फॉर्मेट। PRN फाइल क्या होती है, या तो आपका जो बारकोड वाला होता है वो आपको डिज़ाइन करके देता है, या फिर बारटेंडर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी PRN फाइल आएगी। इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है एग्जाम्पल्स को हम छोड़ देंगे, इसको कॉपी करते हैं और प्रिंटर ऑन के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं क्लियर स्क्रीन, CLS, Ctrl+W, सेव। उसके बाद हम आते हैं प्रिंटर ऑफ में, जो लास्ट लाइन है उसको यहाँ से Ctrl+X, कंट्रोल से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन, CLS। उसके बाद अब हमारी फॉर्मेट की बारी है कि हमारे जैसे टोटल दो फॉर्मेट हैं, तो मैंने यहाँ टू लेवल फॉर्मेट टू लिया, या पहले वन के लिए डिज़ाइन करना था वन लिया। हमारी PRN है, अब हम यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर ये कॉलम्स हैं, हम इसको यहाँ से जो कोड है यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे हमारी ये PRN जो है अभी एक ही लेवल के लिए बनी हुई है, तो इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगर ये दो के लिए बनी होती तो हम इसके लिए सेकंड वाले के कॉलम्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहाँ से कट करके सेकंड वाले में पेस्ट कर देते हैं। अभी देखिए सबसे ऊपर जैसे प्रोडक्ट नेम है, तो हम यहाँ से ये प्रोडक्ट नेम हटाएंगे और F1 करके यहाँ से कमांड लगा देंगे,
तो यहाँ हमने अपनी कमांड लगा दी। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपनी सारी कमांड्स लगा देंगे, जैसे हमें MRP की कमांड लगानी है तो F1 किया, MRP F3 करके कमांड लगा दी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी सारी कमांड्स लगा देंगे। यहाँ मुझे बारकोड की कमांड लगानी है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी सारी कमांड्स लगा देंगे। उसके बाद फॉर्मेट वन डिजाइन हो गया, फॉर्मेट टू के लिए करेंगे सेम, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेट टू के लिए भी हम डिजाइन कर देंगे। उसके बाद अगर हमें कोई प्रिंटआउट निकालना है तो हम यहाँ पर आकर प्लस दबाते हैं बार कोड, तो यहाँ पर अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, और अगर इसको व्यू करना है, रिपोर्ट करना है, जो भी करना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं PRN के थ्रू। सॉफ्टवेयर लगाना है, मैं मार्ग ERP को रेकमेंड जरूर करना चाहूंगा। वैसे बहुत सारे हैं, ये इंडियन है, बहुत अच्छा काम किया, मोनोपोली किसी ने ऑर्गेनिकली क्रिएट कर ली बिना एडवर्टाइजमेंट के, इसलिए मैं उसको बधाई देता हूं। मार्ग ERP का भी नंबर दे दिया मैंने आपको, आप इनको फोन करके इनसे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में पता कर सकते हैं। और आपकी बात कर रहा हूं भैया, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस छोटे व्यापारी को जानते हो इस वीडियो को दे देना, उसको संजीवनी दे रहा हूं।